स्थानक सरकारी हस्पताल विखे तड़कसार मरीजा दी लंबे समय तो सेवा कर रही साईं सेवा वेलफेयर सोसाइटी वालों मरीजा नूं स्थानक सरकारी हस्पताल विच सवेरे तड़कसार पुज के उन्हां दी जरूरत दे अनुसार उन्हां नूं चाह पानी अते पीण वास्ते गर्म दुध मुहैया कराया जांदा है अते नाल ही फल फ्रूट ते बिस्किट भी मुहैया कराए जांदे हन। उन्हां दे नाल अज लाइन क्लब विशाल फाजिलका ने भी पूरा सहयोग किया जिन्होंने साइंस सेवा वेलफेयर सोसाइटी वालिया के नाल मिल के सरकारी हस्पताल विच दुख तकलीफा तो आराम लैन वास्ते जेरे इलाज मरीजा ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं तड़कसार दुध मुहैया कराने दे नाल नाल फल फ्रूट अते बिस्किट भी मुहैया कराए। जिथे बोलते हुए साइंस सेवा वेलफेयर सोसाइटी के मैंबरां ने कहा भी वो साल 1999 तो लगातार ये सेवा कर रहे हैं। कई लोग कई संस्थावां उन्हां दे नाल आईया इस दौरान कई चलिया गई कई लगातार आ भी रही हैं। वो हरेक संस्था से हरेक फाजिलका वासी का शुकराना अदा करते हैं धन्यवाद करते हैं जो कि उन्हां दा इस काम विच सहयोग कर रहे हैं। उन्हां कहा कि साइंस सेवा वेलफेयर सोसायटी निस्वार्थ भावना नाल सेवा कर रही है अते करदी रहेगी। इस तों इलावा उन्हां कहा साइंस सेवा वेलफेयर सोसायटी फाजिलका वासियों नूं अपील करती है जेकर किसी नूं दिल दे रोगां दी बीमारी हो जाती है अते उस कोल इलाज कराने लई पैसे नहीं हन तो यह सोसायटी के मैंबरां नाल संपर्क किया जाए। दिल के रोगों के इलाज भी ये सोसायटी आपदे खर्चे ते कराती है। जो लोग खर्चा भरन विच असमर्थ हन वह उन्हां नाल संपर्क करन। इस मौके बोलते हुए साइंस सेवा वेलफेयर सोसायटी के मैंबरां अते लाइन क्लब विशाल के मैंबरां ने की कुछ कहा इस सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो अते साडी पूरी कवरेज वेखो। अज सिविल हॉस्पिटल सवेरे मरीजों वास्ते लगभग इतने 80-85 मरीजों वास्ते दूध का इंतजाम किया गया, फ्रूट का इंतजाम किया गया, उन्होंने बिस्किट नाल दिए गए क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के नज़दीक कोई नेड़े ऐसा इंतजाम नहीं जिते मरीजों को सवेरे सवेरे कुछ दूध या चाह का इंतजाम मिल सके। तो इस सोसायटी ने सारे ने मिल के इतने मरीजों वास्ते इंतजाम ये उपराला जिहड़ा किया जा रहा है जी ये किन्ने समय तो किया जा रहा है? तकरीबन 20-25 साल तो यह कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत वधिया लग्या क्योंकि एक बड़ी वड्डी सेवा है, मानव सेवा जिसे कहते हैं। पेशेंट को कुछ ना कुछ सवेरे दूध मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, उस वड्डी सेवा उसने 6 बजे मॉर्निंग आ के इन्हों करन इन्हों दूध पिलाना बड़ी वड्डी मानव सेवा है। जिस तरह यह उपराला किया जा रहा है जी, उपराला जी सेवा के रूप किया जा रहा है, यह करने का विचार किस तरह आया? सानू विचार दिता सत्य साई बाबा जी ने, असं शुरू किया 1 फरवरी 1999 तो सानू 23 साल तो उपर हो चुके हैं ये सेवा करते हैं। और अज तक कदम मीह आए नेरी आए कुछ आए ये सेवा बंद बंद नहीं हो सकती। और सानू कई सेवा लोग यह करना आ रहे हैं जिन्हें जन्मदिन होंगे किसी का बर्थडे होंगे किसी का कुछ भी हो सकता सेवा इतने कर सकता है। और यह सेवा इस पर डेली चल रही सवेरे 6 बजे तो सिविल हस्पताल पहले चलते पुराने हस्पताल हम चल रही नवे हस्पताल जिमें दसा जी पिछले लंबे समय तो यह सेवा चल रही है जी, ये सेवा कंटिन्यू तुसी कर रहे हो, जो खर्चा होंगे किस किस तरह बाहर में खर्चा? बहुत भैन भरा देने वाले बैठे ने, लैन जाना मुश्किल है, पर इस गल नहीं मंगना कोई मुश्किल नहीं। इस करके कोई ना कोई ऐसा आंदा एक छड़ा चार नाल रल जाते हैं, कभी भी अज तक कमी नहीं आई, पैसे वालों कोई कमी नहीं आई। प्रधान जी जिमें लोग सवेरे सैर करने जाते हैं तो सारी टीम सवेरे हॉस्पिटल आई जी की मौका रखा साढ़े एक साढ़े लायंस क्लब विशाल प्रधान जी कुशरी साहब ने सैकटरी साहब जुनेजा जी ने ओपी सदेव जी साढ़े हेड ने उतु हेड कमान सारे बड़े पुराने साढ़े सीनियर आगू ने क्लब के उसे साढ़े पिछले मीटिंग हुई उसे डिसाइड किया गया भी एक जी संस्था है साई बाबा सोसायटी जी है बड़े पिछले 25 सालों तो इस तरह की सेवा कर रही है लोगों की। गरीब बंदे या गरीब घर या मरीज जोड़े कि घरों नहीं अफोर्ड करते सवेरे उठ के चाह पीनी औखी होंगी है उन्होंने मिलती है। और जी सोसायटी साई बाबा सोसायटी काम कर रही है बब्बर साहब जी उन्होंने बच्चे ने और उस मीटिंग में फैसला किया गया सानू भी किया गया ओपी सदेवा जी कहते भी आप कुछ अपने मैंबरस की सेवा में हिस्सा पाइए तो डिसाइड किया गया। उस लड़ी के तहत अज असी लायंस क्लब विशाल वालों इतने मरीजों की सेवा कर आए हैं सारी टीम। और मैं थोड़ा कोशिश करता भी कहना कि मेहनत करते हैं भी अभी प्रधान जी सैकटरी साहब सारे मिलकर आने वाले समय से भी अभी अपने मैंबरों लायंस क्लब विशाल जी उत्साहित करा कि ये जी सेवा है बहुत अच्छी सेवा है
सवेरे 6 बजे आके एक मरीज को दूध पिलाना, बिस्कुट खिलाना या अपनी मर्जी ना कोई भी फ्रूट की सेवा करनी। और मेरा ख्याल है इस मुद्दे रेगुलर रखा। सत्या साई ऑर्गनाइजेशन का कन्वीनर पास किया था। मैं सारे लोगों ने बेनती करना उत्थे बुढ़ा पत्ती जाके उत्थे जाने उत्थे एक बड़ा हॉस्पिटल बनया जिन्हें बाहर के फ्री ऑपरेशन जेडे लोग किराया पा सकते हैं। मैं लोगों ने उन्होंने अपील कराँगा करते हैं असं वैसे जुलाई जाते होंगे जे कोई लोग किराया नहीं भी पा सकते असं किराया भरने के तैयार हाँ। कोई आज का कोई भी तरह का जोड़ा होगा ना बीमारी उत्थे इलाज फ्री किस जगह पर पुटा परती बैगलोर को 150 दूर आए जिले 2 साल फाजिलका जिले के 8 ऑपरेशन हुए। एक साढ़े फाजिलका की लड़की है जिंदा कि होना जुलाई से ऑपरेशन रामस्वामी कॉलोनी एरिया का फादर मिस्त्री का काम करता है। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।